बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहेब अपनी बात वहीं से प्रारंभ करूंगा जहां कल छोड़ी थी। इस तरह चार खान से आए हुए जीव अलग अलग खान से जो आकर जन्म लेता है, साहेब उसके लक्षण धर्मदास जी को बता रहे हैं। आप देखिएगा ये सब लक्षण इंसान के मिलते हैं। प्रथम कहो अंडज की वाणी, एक एक कहो बिलछानी। साहब कह रहे एक एक आपको मैं वर्णन करके बताऊंगा। आलस निद्रा जाकर हुई, बड़ा आलसी होगा और नींद खूब करेगा। कभी कभी ऐसे लोग आपके घर में भी मिलते हैं जिनसे आप परेशान हो जाते हैं। काम क्रोध दरिद्री सोई, उसमें काम वासना ज्यादा होगी, दरिद्री टाइप होगा। चोरी चंचल अधिक सुहाई, तृषा माया अधिक बढ़ाई। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, वो चोरी करेगा। एक बार एक बहुत बड़ा सेठ महात्मा के पास पहुंचा, अपने गुरु के पास पहुंचा। उसने गुरु से एक प्रार्थना की, कहा महाराज मैं नगर का इस शहर का सबसे बड़ा सेठ हूं, आपकी कृपा से आपका दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन मेरा ये बेटा चोरी करता है, इसको बड़ी आदत है चोरी की, घर में अभाव नहीं है चोरी करता है, इससे मेरा बड़ा अपमान होता है, पुत्र है मेरा, इसको बहुत समझाया मानता नहीं है। महात्मा ने कहा ठीक है। लड़के से कहा भाई मैं आपसे कुछ कहूं उसका पालन करोगे? बोला महाराज सब पालन करूंगा, एक बात आप मुझे नहीं कहना, चोरी के लिए मना नहीं करना, चोरी तो मुझे करनी करनी है। महात्मा ने कहा खैर कोई बात नहीं, तुम्हें चोरी करना है तुम चोरी कर लेना, मेरी एक बात और है। बोला वो तो मानूंगा। बोला झूठ कभी नहीं बोलना। बोला ठीक है। बोला ठीक है। अब चोर का क्या होता है सिद्धांत, चोरी करके स्वीकार नहीं करता है। इसने एक आध चोरी की, बाद में जब उससे पूछा गया चोरी की है, बोला हां, पहले नहीं मानता था। बोला पैसा कहाँ है? अब झूठ नहीं बोलना था, बोलता था फलाने पेड़ के नीचे मैंने गाड़ कर रखे, वहां से लोग निकाल लेते थे। एक दो बार ऐसी चोरी की तो सच बोलना था। तब उसने विचार किया जब मैं चोरी करके बताना ही है तो चोरी क्या करना है। इस तरह मैंने कल आपको बताया कि जन्म जन्मांतर के सभी कर्मों को गुरु नामदान के टाइम पर धो देता है, अगर पूर्ण गुरु है। नाम जो रत्ती एक हो, पाप जो कोटि हजार, सभी जार के छार करे, जैसे चिंगी आग की पड़ी पुरानी घास। तो वो आदतन चोर होगा। कुछ लोग चोरी करते हैं मजबूरी में करते हैं, और कुछ लोगों की वृत्ति है वो इसलिए है कि वो अंडज खान से आया है। रोवे कूदे मंगल गाए, भूत प्रेत सेवा मन लाए। वो भूत प्रेतों की सेवा करेगा, तामस भक्ति करेगा। देखत देत और बन का हो, मन मन झंके बहु पछताओ। किसी के शुभ कर्म करने वाले का भी अपमान करेगा। वाद विवाद सब इनसे ठाने, ज्ञान ध्यान कछ मनहे ना आने। वो कैसे नेचर के होंगे, समझाओ तो भी नहीं समझेंगे, और विवाद खूब करेंगे बेतुका। उदाहरण देता हूं, मेरे पास तो हर किस्म के लोग आते हैं,
मुझसे एक आदमी ने कहा कहा महाराज ब्रह्मा जी ने शादी की? मैं बोला हाँ, सावित्री जी उनकी भार्या है। विष्णु जी ने शादी की? मैंने कहा जी हाँ। लक्ष्मी जी उनकी भार्या पत्नी है। शिव जी ने शादी की? मैंने कहा पार्वती उनकी भार्या है। ऋषि मुनियों का बताया। वशिष्ठ ने शादी की? मैं बोला हाँ, उनकी पत्नी अरुंधति है। कई और नाम गिनाए। आपने क्यों नहीं शादी की? मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि भाई विवाह के बाद में अध्यात्म का रास्ता थोड़ा सा जटिल हो जाता। वो ये बात नहीं सुनने को तैयार था। मैंने अपना पिंडा छुड़ाने के लिए उससे, अब मैं जान गया इससे फालतू बात करने से कोई मतलब नहीं है। ये अपनी बोले जा रहा है, ये एक ही मंतव्य लेके आया है, मुझसे विवाद करना है और अपमानित करना है, तो इससे क्या समझाना है। उसका लक्ष्य यही था ना। साहब ने भी बोला पाहन में क्या मारिए, पाहन पत्थर को कहते हैं, पाहन में क्या मारिए, शट से कहां बसाए। मूरख संग बोल के कला आकार जाए। अर्थात मैंने उससे पिंडा छुड़ाने के लिए बोला भैया उनकी इच्छा हुई शादी की, अब मेरी इच्छा नहीं हुई। क्यों नहीं हुई इच्छा? मैं बोला भाई ये ऐसे नहीं मानने वाला। मैं बोला भाई तुम कोई बैरिस्टर नहीं आयो, इच्छा अपनी अपनी होती, मेरी इच्छा नहीं थी। चलो तुम अपना काम करो, फालतू क्यों बात कर रहे हो। तो इस तरह वो वाद विवाद सबसे करेगा, पर उसमें तर्क नहीं होगा। आप ऐसे कई लोग देख रहे हैं, उनकी बुद्धि इस तरह की होती है, वो अपनी ही बोलेंगे। मूर्ख से क्या बोलिए, शट से कहां बसाए, पाहन में क्या मारिए, चोखा तीर नशाए। पत्थर में मारकर तीर की परीक्षा नहीं लेना, वो नहीं, चोखा अच्छा तीर भी फैल हो जाता है। इस तरह कुछ इस तरह के लोग होते हैं। वाद विवाद सबन से ठाने, ज्ञान ध्यान कछ मन है नाने। सबसे विवाद करेगा और तार्किक भाव नहीं होगा उसका, खामखा विवाद करेगा। मस्तिष्क की रवायत ऐसी होगी जो उस खान से आता है। गुरु सदगुरु नहीं चीने भाई, वेद शास्त्र सब दे उठाई। वेद शास्त्रों का भी सम्मान नहीं करेगा। मैले वस्त्र नहीं नहाई, अक्सर उसके वस्त्र मैले होंगे, उसको गंदे कपड़ों से बड़ा प्रेम होगा, स्वाभाविक ऐसा नेचर होगा। पासा जुआ चितमन लावे, गुरचरण निस्दिन नहीं जाने। जुआ वगैरह खेलेगा कभी वो भक्ति की तरफ नहीं आता है जल्दी। अब शरीर के लिए बता रहे हैं, कुबड़ा मूड़ ताहे का होई, यानी ऐसे झुका हुआ और गर्दन छोटी होगी, लंबा होए पांव पुंसुई। ऐसे लोग अपने को स्थापित ही करेंगे सिर्फ, और मूर्ख होंगे, कुछ होता नहीं है इनके पास, पर बनेंगे। ये साहब उसका लक्षण बोल रहे, या भांति लक्षण मैं कहा तुम सुनो धर्म नागरू, यानी पूरी बॉडी के लक्षण भी साहब बोल रहे हैं, इसलिए देखने से पता चल जाएगा। अंडज खान गोए राखा, कहूं भेद उजागरो। अंडज खान न गोए राखा, छिपाया नहीं, बिल्कुल मैंने उजागर किया। सो समझाओ
वाणी जीव थिरके टोक सकल मिटाऊं। अब साहब कह रहे हैं उखमज की बात सुनो, जो उखमज योनि से जीव आते हैं उनके लक्षण सुनो। उखमज ते जीव आए नर दे ही जिन पाया, जो उखमज खान से आकर मनुष्य तन को प्राप्त करते हैं, कहे कबीर सुन धर्मदासा उखमज भेद कहूं प्रकाशा। मैं उसके लक्षण कहता हूं, जाए शिकार जीव वो हमारे बहुत से आनंद होए ते तारे बारे। बोला वो बहुत जीवों को मारेगा, नेचर यही होगी। आप देखो ना कुछ लोग कैसे हैं, किसी भी जीव को कष्ट देने से खुश होते हैं, नहीं किसी को नहीं सताना। सब में तेरा जलवा समा रहा है, जाए शिकार जीव हमारे बहुत से आनंद होए थे हमारे। मार जीव जब घर पर आई बहुत रांधता है को खाई, निपट मांसाहारी होगा। निंदे नाम ज्ञान कहे भाई, गुरु कहे मेट करे अधिकारी। ऐसी उसकी षड बुद्धि होगी, धर्म शास्त्रों का भी अपमान करेगा और सुनेगा ही नहीं किसी की। निंदे शब्द और गुरुदेवा, वो गुरुजनों की भी निंदा करेगा। बहुत भांत बहुते नर आई, कथे ज्ञान बहुते समझाई। होगा कुछ नहीं लेकिन बड़ा ज्ञानी बनेगा। झूठे वचन सभा में कही, टेढ़ी पाक छोर उम्र रही। पहनावा बड़ा अटपटा होगा, अगर टोपी भी पहनेगा टेढ़ी करके करके पहनेगा, कमीज पहनेगा तो कहीं बटन खुले होंगे कहीं कुछ होगा, अटपटा होगा इंसान होगा। जरूर हम आप सब अपने इर्द गिर्द इस तरह के लोगों को देख रहे हैं। इसका विवरण सिर्फ कबीर साहब ने दिया, बाकी कोई नहीं बोल पाया। झूठे वचन सभा में कही, टेढ़ी पाक छोर उम्र रही। बहुत झूठ बोलेगा, झूठ इंसान कारण से बोलता है। पहला इंसान झूठ भय से बोलता है, जब कोई ऐसी गलती हो गई तो उसको छिपाने के लिए भय से झूठ बोलता है। दूसरा झूठ स्वार्थ के कारण बोलता है। हाँ ठीक भाई, उसका कोई मतलब है, स्वार्थ है इसलिए सच नहीं बोल रहा। तीसरा झूठ अज्ञान के कारण बोलता है, उसको पता नहीं है बोल रहा है। लेकिन मारे चौथा आदतन झूठा है, वो बोलेगा ही झूठ ही झूठ, झूठ ही झूठ बोलेगा। दया धर्म मन ही नहीं आवे, करे पुण्य हासिल आए। जो भक्ति करेगा पुण्य करेगा शुभ कर्म करेगा उसको उल्लू समझेगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, गैस कांड के कारण भोपाल में फार्म भरे जा रहे थे, सन 84-85 की बात है। तो मैं अपने छोटे भाई के साथ, वो भर रहा था क्योंकि वो कई लोगों का भर चुका था फार्म, जानकारी थी। एक बुढ़िया ने कहा, भैया लाला मेरा भी फार्म भर दो। उसने दो चार को बोला, कोई नहीं ध्यान दिया। फार्म थोड़ा लंबा चौड़ा था, मेरा भाई वो उसका फार्म लेके भरने लगा। तो मेरा एक भतीजा आया, उसके हाथ से फार्म, छोड़ यार तुझे क्या लेना है, उसको चल अपना काम करना। ठीक है, वो कभी भी किसी का भला नहीं चाहने वाला इंसान होगा। अकारण ऐसे लोग अकारण झूठ बोलेंगे, वो तो मैं झूठ बोलने वाले का आपको कारण बताए, वो अकारण बोलेगा, उसकी नस नस में छल होगा। तो खुमज का जीव इतना बेकार होता है।
अंतर पाप ही ऊपर दया, ऊपर से बड़ा ज्ञानी और दयालु बनेगा, अंतर पाप होगा। सो जी यम के हाथ बिकाया, अब फिजिकल भी पहचान बता रहे, लंब दंत और बदन भयावन, शर दांत बहुत लंबे होंगे, यहां तक आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, और शरीर देखने से भय लगेगा, भयावह शरीर होगा, पीले नेत्र, अति ऊंचे अति पावन। कहे सदगुरु सुनो धर्मन, भेद भलिए पाया, सदगुरु बिना नहीं भेद पावे, भली विध तो है दर्शाया, बोला ये भेद एक पूर्ण गुरु के बिना नहीं मिलता है, मैं तुम्हें भेद बताया, भेटिया तुम मोहे को कुछ ना है तो ही दुराव हूं, कह रहे तुम मुझे मिले मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाऊ, जो बूझ हो तुम मोह से सकल भेद बताऊ, बोला मैं तुम्हें पूरा भेद बताऊंगा। आगे कह रहे इस्तावर खान, मैंने आपको अंडज उखमज अब स्थावर खान के जीव का उल्लेख कर रहा हूं, तीसरी खान। अचल खान को कहूं संदेशा देह दरे जस हो वे भैसा, ये 12 लाख जीव होते हैं, इसमें पेड़ पौधे भी आते हैं, मोटा शरीर होगा, चाहे वो पानी पियेंगे तो भी मोटे हो जाएंगे, ये कोई वैद्य भी नहीं जानता है कारण, ये कारण है, स्वभाव से बहुत ओछा होगा, उसमें गंभीरता नाम की चीज नहीं होगी, क्षणिक बुद्धि होवे जीव केरी, पलटत बुद्धि न लागे बेरी, क्षणिक बुद्धि होगी, दिमाग पलटते टाइम नहीं लगे, अभी हाँ बोल देगा 5 मिनट में ना बोलेगा, आप सबका पाला इस तरह के लोगों से जरूर पड़ा होगा जीवन में, झगड़ा फेटा सर पर भागा, राजद्वार सेवा बल लागा, इसका भी पहनावा अटपट होगा, जेंटल नहीं होगा, कभी जोकर वाली ड्रेस पहनेगा, कभी कुछ पहनेगा, कैसा खान पान अच्छा नहीं होगा, व्यवहार अच्छा नहीं होगा, बुद्धि उसकी भ्रष्ट होगी, कुंद बुद्धि होगा, घोड़े पर होवे अश्वारा तीर खरग और कमर कटारा, आप भी पहनावा तो देखे ना, कभी कोई कोई कोट पहन देता है, कभी क्या पहन देता है, कभी कोई टोपी पहन लेता है, कभी कुछ कर लेता है, ये क्या है, वो नेचर बन जाती है, एक आदमी चश्मा पहना था, थोड़ा मुझे अटपटा लगा तो मैंने कहा भैया जब मैं चश्मे पर अपेक्ष किया, पता है मुझे उत्तर क्या मिला, बोला चश्मा तो आप भी पहनते हैं धूप के लिए, मैं बोला हाँ, तुम्हारे अपेक्षा का जवाब देता हूँ, मैं चश्मा सिर्फ इसलिए पहनता हूँ कि धूप की तीक्ष्ण किरणें मेरी आंख में नहीं जाए, मैं किसी स्टाइल के लिए चश्मा नहीं पहनता हूँ, लेकिन तुम्हारा चश्मा पहनना थोड़ा दूसरा भाव है, इसलिए मैं अपेक्षा कर रहा हूँ तुम्हें। आदमी को बोलचाल और वस्त्र आदि व्यवहार से ही तो पहचाना जाता है ना, मैंने उसे उत्तर दिया, मैं बोला तुम्हारा और मेरा चश्मा पहनने में अंतर है, मैं तो चश्मा केवल धूप से बचने के लिए पहना, शौकिया नहीं पहना हूं, घोड़े पर होवे असवारा तीर खड़ग और कमर कटारा, अजीब अजीब शौक होंगे उसके, लोग परेशान हो जाएंगे उससे, उचित सैन जो मरई पर नारी कर सैन बुलवाई, हां कुछ ऐसी चीजें होती है, जब मैं अलग अलग प्रांतों में जाता हूं तो कुछ अलग अलग चीजें देते हैं लोग, उदाहरण के लिए मैं महाराष्ट्र में गया तो प्रथम बार मुझे उन्होंने पगड़ी दी, पगड़ी पहन ली भाई, मैंने कहा भाई पगड़ी तो मैं नहीं पहनता, बोला यहाँ की रस्म है, जब मैं हिमाचल गया तो मुझे हिमाचली टोपी दी गई, कहीं शाल देते अभिवादन के लिए, अलग बात है, वो अलग बात है, मैं उस पर व्यंग नहीं कर रहा हूं,
पर वो आदतन ऐसा होगा इत उत चित सैन जो भरई पर नारी कर सैन बुलवई, वो पराई स्त्री को छेड़ेगा। सड़क मजनू होगा, मार भी पड़ेगी ना, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्या बात है साहब की कि लोगों के पूरे नेचर का उन्होंने बिल्कुल चिट्ठा खोल दिया। और हमेशा सेक्सुअल बातें करेगा रस बात कहे मुख जानी, काम बाण लागे और आनी, और हृदय को कहते हैं बाण, बाण को कहते हैं, लगता है उसको। पर घर ताकई चोरी जाई, पकड़ बांध राजा पर लाई। अब साहब राजा क्यों बोल रहे, उस जमाने में न्यायालय नहीं थे। राजा लोग दो तीन घंटे निकालते थे, पब्लिक का न्याय सार्वजनिक होता था, बड़ा सटीक न्याय करते थे। वो चोरी करेगा, हासी करे सकल पुन जबही, लाज शर्म उपजे नहीं तो भाई, इतना बेशर्म होगा कि उसको लाज शर्म आएगी नहीं। और क्षणिक बुद्धि होगी, क्षणिक बुद्धि होवे जीव के, आगे साहब बोलेंगे। छिनक मन में पूजा करे, छिनक मन सेवा चित धरे, यानी कोई उसके दिमाग में स्टेबिलिटी नहीं होगी, कोई भी काम करेगा छोड़ेगा, फिर दूसरा करेगा, फिर तीसरा करेगा, स्थिर नहीं होगा, बुद्धि स्थिर नहीं होगी। जन्म एक नहीं, जन्म अनेका, छूटे नहीं कर्म का लेखा। इस तरह मनुष्य का प्रारब्ध के अनुसार शरीर बनता है। तभी साहिब वाणी में कह रहे हैं, पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बनी शरीर। इंसान पिछले कर्मों की गठरी साथ लेकर जन्म लेता है, उसी के अनुसार प्रारब्ध के अनुसार ही शरीर और जन्म मिलता है, ऐसा हमारे धर्मशास्त्र भी कह रहे हैं। छिनक मन में बिस्तरे देवा, छिनक मन में कीजे सेवा, छिनक ज्ञानी पोथी बाचे, छिनक माँ सबन घर नाचे। बड़ी अजीब वृत्ति का इंसान होगा। जेते घटते ते व्रत, आप देख रहे हैं दुनिया के लोगों में कितनी विविधता है, वो इस कारण से है। क्षणिक मन में सूर का आय, क्षणिक मन में कादर हो जाए, क्षणिक में बड़ा शुरमा बनेगा, अगले क्षण कायर बन जाएगा। क्षणिक मन में साव का आय, क्षणिक मन में चोट लगाई, यानी क्षणिक नेचर। छिणक मन में जो सुधर्मा करे सुधर्मा, छिणक मन में करे अकर्मा, छिणक में अकर्म भी कर देता है। भोजन करत जाय खजवाई, भोजन करते खुजली करता है। मां जांग बुन मीजत भाई, माँ और जांग मींजेगा। भोजन करे सोए बन जाए, जो जगाए थे मारन थाई, खाते खाते भी सो जाएगा, और जो जगाएगा उसको मारने दौड़ेगा, क्यों जगाया। अब शरीर के लक्षण बोल रहे हैं साहब, आंख लाल होए पंजाकी, कहना कि भेद कहूं तुम तक, हमेशा आंखें लाल रहेगी। अचल खान भेद धर्मन क्षणिक बुद्ध सोजीव, यानी अचल खान के जीव का मैं ओवरऑल आपको रिजल्ट बता दूं, क्षणिक बड़ा बेकार होता है। छिनमाह करके मेट डारे, कहो तुमसे सोई। इस तरह मेरे पास एक आदमी आया, उसने मुझे कहा जो भी काम करता हूं मुझे कामयाबी नहीं मिलती है। मैंने बताया, मैंने बोला भाई जो जो काम तुम किए जिनमें कामयाबी नहीं मिली बता।
उसने कुछ कारण बताए। फिर बोला मैं वो दुकान खोला वो नहीं चली। मैं बोला भैया दुकान दो दिन में नहीं चलती। दुकान आदमी के जीवन का एक जीवन यापन का एक जरिया बनता है, उसको उसको स्थापित करने में टाइम लगता है। अब तुमने दुकान खोली थोड़े दिन नहीं चली बंद कर। बोला अब मुझ पर लोन भी चढ़ गया। फिर वो कोई और फैक्ट्री या कोई काम खोल रहा था, वो भी जब किया तो वो भी छोड़ दिया। अब वो कर्जे में फंस गया। जो जो काम उसने किया कोई मुकम्मल पूरा किया नहीं है, सर अंजाम नहीं दिया किसी काम को। मैंने कहा तुम में ये कमी है या चल उस खान का लक्षण है भैया, ये स्थावर खान का लक्षण है, इसमें तुम चेंजिंग करो, स्थिर हो जाओ ना। मिले सदगुरु सत्य जाकर खान बुद्ध सब मेटे। अब आप थोड़ा सा यहां देखना, मैं गलत कुछ नहीं बोलता हूं। मिले सदगुरु सत्य जाकर, जब सच्चा गुरु मिलेगा खान सब बुद्धि सब मिटाई, तो खान बुद्धि पूरी मिटा देगा। क्या ये सब झूठ है? गुरुशरण लीन अधीन होवे लोक सो हंस पठावई। गुरुशरण में लीन हो जाएगा वो हंस अपने लोक में पहुंचेगा। तो इस प्रकार से साहब ने इन खानों का विश्लेषण दिया। अब चौथी खान, सुनाओ धर्मदास पिंडज लक्षण गुण कहो। अब पिंडज जो घोड़ा हाथी बकरी यानी उन योनियों से आता है, जो मां के गर्भ से शरीर लेकर बाहर निकलता है, उसको पिंडज कहते हैं। वैरागी उन्मुन मतधारी करे धर्म पुनवेद विचारी। बहुत धर्मिष्ठ होगा, आप नहीं देख रहे? अरे घर में चार भाई है, पांच छह भाई है, सबको एक मां ने जन्म दिया, एक बाप था, वृत्तियां अलग अलग। एक कहावत है, पांव पूत के पैर पलने में दिखते हैं। एक माई मुझे कह रही थी ये बहुत गुस्सा करता है। अरे कितना था? साल भर का था, बहुत गुस्सा करता था। कहां से गुस्सा सीख? क्या पिछली गठरी ले आया साथ में? करे धर्म पुंज वेद विचारी। वो वेद विचारने के कर्म करता। तीर्थ और पुण्य योग समाधि गुरु के चरण चित्त भल बांधी। लेकिन वो तीर्थ करेगा धर्म और अन्य जो उपासनाएं करेगा धर्मिष्ठ वृत्ति का होगा। वेद पुराण कथे वो ज्ञाना सभा बैठ बल बातें ठाना। शास्त्र और धर्म शास्त्रों के प्रति अध्ययन करेगा, उसकी रुचि होगी। राजयोग कामिन सुख माने मन शंका कभो नहीं जाने। रहन सहन राजाओं की तरह होगा और स्त्री प्रिय होगा। राजयोग कामिन सुखमानी, कामिन नारी को कहते हैं। एक एक्ट्रेस भी थी कामनी कौशल, कामनी नारी को कहते हैं। धन संपत्ति सुख बहुत सहाई, उसके पास में दरिद्रता नहीं होती है। लौंग सुपारी भी सुखाई। रहन सहन बड़ा स्वच्छ और टॉप डिग्री का होगा। बिस्तर अच्छा चाहिए, रहन सहन अच्छा चाहिए, खान पान अच्छा चाहिए, वृत्तियां अच्छी चाहिए। खर्चे दान पुण्य में सोई हृदय सुत ताकर पुण्य। वो दान पुण्य भी करने वाला होगा, कंजूस नहीं होगा। चक्षु तेज जाकर पुण्य जानी, पराक्रम देह बल देह बल देही ठानी। आंखों में तेज होगा, इसलिए महात्मा लोग देखते ही जान जाते हैं जो पूर्ण गुरु है कि आंख आंख से ही देख जाता है तो इसके अंदर क्या गुण क्या दोष होंगे। कोई कहता है चेहरे पर थोड़ी लिखा है कि अच्छा है या बुरा। अरे मेरे भाइयों चेहरे पर ही तो लिखा है, पढ़ो ना चेहरा। आईज इज मिरर ऑफ द हार्ट, आंखें तो हृदय का दर्पण है। एंड फेस इज इंडेक्स ऑफ द
माइंड, जो हमेशा गुस्सा करने वाला है वो हमेशा यूं उठा जाओ, देखने से ही अटपटा लगेगा। जो शीतल है उसकी, जब आप प्रसन्न होते हैं आपके चेहरे की मांसपेशियां और अलग किस्म की हो जाती है, वो बड़ा दयालु होगा, प्रसन्न चित्त होगा, दूसरे की मदद करेगा। देखो स्वर्ग सदा तय हाथा, देख प्रतिमा नावे माथा। आपके ब्रेन में क्या चलता है ये आंखें बताती हैं। कोई लड़की सेवा के लिए आई तो मैंने थोड़ा उससे परिचय लिया, नहीं रखते हैं जल्दी अभी हम बच्चों को। जब मैं पूछा तो वो बोली 2-3 दिन से आई, कोई बात। लेकिन जब वो बात कर रही थी तो उसकी आंखें कभी यूं घूम रही थी कभी, मैं जान गया ये झूठ बोल रही। जब घर से मैंने जानकारी ली तो उन्होंने कहा 5 दिन से घर से निकली थी, आश्रम जाना है। वाह भाई वाह, 2 दिन कहां थी? ये ना हो मैं तुमसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने, हमें तो काफी कड़ाई करनी पड़ती है। तो आंखें जब पलट जाती है ना तब पता चल जाता है ये कोई प्लानिंग और क्या ब्रेन में चल रहा है, व्हाट इज इन योर माइंड। ओ फिर आंखें बता देती है। इंसान के सचूट की पहचान है आंखें, वो नजर अदा, इंसान के सचूट की पहचान है आंखें, इनका कलर अलग हो जाता है। देखो स्वर्ग सदा तय हाथा, प्रतिमा देख नवावे माथा, धर्मिष्ठ होगा। क्षमा चाहता हूं, समय हो रहा है कल, और वो सदगुरु शरण निश्चिन गए ही सत्य शब्द निश्चय मन, पक्का गुरुमुख होता है ऐसा लोग। एक एक बुलोए धर्मन कहो सत्य में, तो ऐसे चार खाने लक्ष्य भागो, सुनो आगे मोहे से। अब कह रहे आगे सुनो, छूटे नर की देह जन्म धरे पुन, आए के ताकर कहो संदेश धर्मदास सुन कांड। अब कह रहे हैं जो मनुष्य से मनुष्य बनता है उसके लक्षण बता। धर्मदास ने सस्पेंशन शंका कही, बोला गुरुदेव आपने पहले कहा था कि चार खान भुगतने के बाद मनुष्य बनता है, अब कैसे कह रहे हो मनुष्य से मनुष्य बनता। ये संवाद लंबा है, कल पुनः मैं यहां से चलूंगा साहेब।